Assalamu alaikum everyone, this is Zubair from Karachi. Guys, in this video we're gonna talk about if anybody hurt you then what should you have to do. अगर आपकी कोई दिल को तोड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए. तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे. इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और उसके अलावा आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा. तो हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं जब हमें कोई हर्ट करता है. यार, ज़िंदगी एक बंदे पे लिमिटेड या ख़त्म नहीं हो जाती. हम लोग असल में अपने दिमाग पे उस बंदे को या उस बंदी को सवार कर देते हैं. हर वक्त हम उस बंदे को सोचते हैं, हर वक्त हम उस पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं कि इसने हमें हर्ट किया. हम अपने आप को अगर किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी रखेंगे तो वो सोच, वो बंदा हमारे जहन से निकल जाएगा. और कभी कभी हम अपने आप को भी दोष देते हैं कि अल्लाह पाक ने ये मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा. अल्लाह पाक कुरान में बार बार कहता है कि ए इंसान, तू वो नहीं जानता जो मैं जानता हूँ. इट मीन्स कि अल्लाह की ज़ात हमारे लिए बेहतर चाहती हैं लेकिन हम इंसानों को पता नहीं होता. तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप उस सदमे से निकलना चाहते हो तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखें. जब आपका माइंड किसी भी चीज़ में बिज़ी रहेगा तो आप उस सदमे से निकल पाओगे. और दूसरी बात ये कि लोगों के साथ, दोस्तों के साथ उठो बैठो और खुश रहने की कोशिश करो. ज़िंदगी एक बंदे या एक पर्सनालिटी या एक जो है लड़की पे ख़त्म नहीं हो जाती. इफ़ यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट दैट दिस इज़ द वेरी बेस्ट पॉइंट फॉर यू गाइस. अगर आप लोग सोचो तो ये एक बहुत बड़ी सोच है कि ज़िंदगी एक बंदे पे ख़त्म नहीं हो जाती. हम लोगों का जहन, हम लोगों की सोच ही उस बंदे पे हमें फोकस कर देती हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में उस बंदे की पूरी गहराई में चले जाते हैं. तो अगर आप लोग इस सदमे से निकलना चाहते हो तो मेरी यही आप सबको मशवरा है कि आप किसी न किसी चीज़ में अपने आप को जो है बिज़ी रखें. आई होप कि आपको जो है ये आप इस सदमे से निकल सकेंगे. गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन सच अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अस्सलामु अलैकुम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.